रश्मि, वेलकम टू माय चैनल योगा अरोरा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिटिंग पोस्चर्स के बारे में, जो कि हम लोगों को करने चाहिए प्राणायामा या मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करते टाइम। तो आप लोग जानते होंगे कि प्राणायामा करने के कितने बेनिफिट्स हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारे माइंड के लिए, लेकिन अगर प्राणायामा सही तरीके से नहीं किया जाए तो वो हार्मफुल होता है, ना कि बेनिफिशियल। तो उसको करने के सही तरीके क्या क्या होते हैं, उसमें से एक आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि है राइट पोस्चर ऑफ सिटिंग, सही तरीका बैठने का प्राणायामा के लिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चार ऐसे आसना डिस्कस करूंगी जिसमें आप लोग बैठ के प्राणायामा या फिर ब्रीदिंग की प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले आसना के साथ, जिसका नाम है सुखासना, जिसको हम लोग कंफर्टेबल इजी पोजीशन भी बोलते हैं। तो इस पोजीशन में बैठने के लिए हम लोग अपने लेग्स को स्ट्रेट रखेंगे अपनी बॉडी के आगे, अपनी बैक को स्ट्रेट रखेंगे, शोल्डर्स को बॉडी के साइड में रखेंगे, शोल्डर ज्यादा ड्रॉप नहीं होंगे और ज्यादा तने हुए भी नहीं होंगे, एकदम रिलैक्स्ड लेकिन स्ट्रेट। तो इस पोजीशन में बैठने के बाद हम लोग अपने राइट लेग को फोल्ड करते हुए अपनी लेफ्ट थाई के नीचे लेके आएंगे, फिर अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए राइट थाई के नीचे लेके आएंगे। इस पोजीशन में आने के बाद आप लोग अपनी सिटिंग बोन्स को, जो आपके हिप्स का रीजन है, उसको एडजस्ट करेंगे, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट, थोड़ा आगे की तरफ, थोड़ा पीछे की तरफ मूव करके, ताकि आपकी सिटिंग बोन्स जो है उनको कंफर्टेबली पोजीशन मिले सिट होने के लिए। तो ये है हमारा सुखासना, जो कि बहुत ही इजी पोजीशन है स्टार्ट करने के लिए प्राणायामा की प्रैक्टिसेस। अगर आपके नीज में पेन है या आप लोग कंफर्टेबली इस पोजीशन में नहीं बैठ पा रहे हैं, तो या तो आप लोग चेयर पे बैठ के इसको कर सकते हैं, जहां पे आप लोग अपने नीज को नीचे रखेंगे, ड्रॉप रखेंगे अपनी लेग्स को, या फिर आप कुछ कुशन या पिलो अपने नीज के नीचे रख के इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप लोग अपनी बॉडी को स्ट्रेट नहीं रख पा रहे हैं, अपनी कमर को, तो आप लोग इस तरह से कुशन पे बैठ सकते हैं। इस तरह से कुशन पे बैठ के भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपकी कमर जो है वो सीधी रहेगी। तो सुखासना में बैठने के बेनिफिट्स ये हैं कि आप लोगों की जब कमर सीधी रहती है, तब हमारा जो लंग्स जो है वो अच्छे से एक्सपैंड होता है। इनफैक्ट नॉट ओनली इन सुखासना, किसी भी आसना में जहां पे हम लोग अपनी कमर सीधी रखने की कोशिश कर रहे हैं, वहां हमारा पर्पस यही है, ताकि हम लोग अपनी लंग्स को फुली यूटिलाइज कर पाए। हमारा लंग्स का लोअर रीजन, बैक रीजन, अपर रीजन, जो पूरा रीजन है वो एक्सपैंड हो, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो बढ़े, जिससे कि हमारी बॉडी में रिलैक्सेशन आएगा और हम लोग फोकस कर पाएंगे अपनी ब्रीदिंग के ऊपर। दूसरा रीजन ये है हमारी कमर सीधी रखने का, जब हम लोग अपनी बैक को स्ट्रेट रखते हैं, उस टाइम पे हमारी बॉडी में जो एनर्जी है वो लोअर लेवल से हायर लेवल तक फ्लो करती है हमारी नाड़ीज में। तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है हमारे एनर्जी फ्लो के लिए, अगेन जो कि बहुत ही रिलैक्सेशन देती है और हमारा फोकस मेंटेन रखती है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे जो है सिद्ध आसना, जिसको हम लोग एकम्प्लिशमेंट पोज भी बोलते हैं। तो सिद्ध आसना के लिए भी हम लोगों ने अपने लेग्स को स्ट्रेच किया बॉडी के आगे, कमर स्ट्रेट। अब हम लोग इसमें अपना एक लेग, जो कि हम लोग, मैं अपने राइट लेग से आपको करके दिखा रही हूँ, राइट लेग को बेंड करेंगे, अपना राइट फुट जो है अपने बॉडी के जितना पास लेके आ सकते हैं उतना पास लेके आएंगे, उसके बाद अपना लेफ्ट लेग उठाएंगे और लेफ्ट लेग का जो एंकल है, एड़ी है, उसको राइट लेग की एड़ी के ऊपर रखेंगे। उसके बाद अपने लेफ्ट फुट को अपनी राइट थाइज और काफ मसल्स के बीच में इस तरह से इंसर्ट कर देंगे। ये ऊपर नहीं रहेगा पैर खुला हुआ, इसको हम लोग अंदर की तरफ करेंगे। इस पोजीशन को करते टाइम आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप लोगों को कोई पेन फील ना हो। अगर आपको कोई पेन फील होता है तो आप लोग दूसरी लेग के साथ ट्राई कर सकते हैं, और इसको हर बार जब करेंगे तो एक ही लेग के साथ नहीं करेंगे, इसको रिपीट करते रहेंगे, कभी राइट लेग के साथ, कभी लेफ्ट लेग के साथ, ताकि जो बैलेंस है दोनों लेग का, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो मेंटेन रहे। अगेन इसमें भी अगर आप लोगों को कोई नीज में प्रॉब्लम है तो आप लोग अपने नीज के नीचे कुशन यूज कर सकते हैं या फिर बैक के नीचे भी कुशन यूज कर सकते हैं।
तो जब हम लोग इस पोजीशन में बैठते हैं, हमारी नीज, हमारी थाइज, हमारा जो एंकल्स है वो बहुत अच्छे से स्ट्रेच होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में रिलैक्सेशन फील होता है और हम लोग फोकस कर पाते हैं हमारी ब्रीदिंग के ऊपर। तो अभी हम लोग करते हैं नेक्स्ट आसना, जो कि है थर्ड वन, पद्मासना। तो पद्मासना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने लेग्स को सेम पोजीशन स्ट्रेच करेंगे आगे की साइड, बैक स्ट्रेट। अब इसमें हम लोग अपना राइट लेग उठाएंगे और अपनी लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे और इसको नी को जितना हो सके उतना नीचे की तरफ को फोर्स करेंगे। इस तरह से नी ऊपर की तरफ को नहीं खुला रहेगा। उसके बाद हम लोग अपना लेफ्ट लेग उठाएंगे और इसको राइट नी के ऊपर इस तरह से प्लेस करेंगे। इस पोजीशन में आने के बाद भी हम लोग अपनी बॉडी को थोड़ा लेफ्ट राइट, थोड़ा आगे की तरफ पीछे की तरफ रोटेट करेंगे और एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैलेंस मेंटेन करेंगे। उसके बाद ध्यान रखना है कि इस पोजीशन में आने के बाद हमारी कमर जो है वो एकदम सीधी रहेगी, इस तरह से स्लाउच नहीं होनी चाहिए और बहुत तनी हुई भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग पद्मासना पहली बार कर रहे हैं तो आपको इस पोजीशन में आने में दिक्कत हो सकती है या फिर आप लोगों को कुछ पेन फील हो सकता है, तो इसको शुरुआत करने के लिए आप सिर्फ एक ही लेग को थाइस के ऊपर लेके आइए, दूसरी लेग को थाइस के आगे या फिर थाइस के नीचे इस तरह से रख सकते हैं। इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं अर्ध पद्मासना, हाफ लोटस पोज। जब आप लोग इस पोजीशन में कंफर्टेबल हो जाएं, तब आप लोग धीरे धीरे अपना दूसरा लेग भी ऊपर लेके आ सकते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे वज्रासना, जिसको हम लोग थंडर बोल्ट पोज बोलते हैं। तो वज्रासना के लिए अभी हम लोग नीज के ऊपर खड़े होंगे, नी स्टैंड करेंगे। तो अभी मैं नीज पे खड़ी हो गई हूँ, मेरी बॉडी जो है वो एकदम नीज के ऊपर सेम लेवल पर है, आगे की तरफ या पीछे की तरफ को बेंड नहीं है। इस पोजीशन में आने के बाद मैं अपने पैरों के साथ क्या करूंगी, मेरे पैरों के अंगूठे जो है थम्स वो एक दूसरे को टच करेंगे और एड़ियों के बीच में हम लोग गैप लेके आएंगे। तो मैंने अपने थम्स को जोड़ा और अपनी एड़ियों को खोल दिया है। इसको इस पोजीशन में आने के बाद मैं बॉडी को आगे की तरफ बेंड करते हुए इसके ऊपर बैठ जाऊंगी। तो जब मैं यहाँ बैठूंगी, मेरे बॉडी का, मेरी जो सिटिंग बोन्स है उसका जो कॉर्नर है वो मेरे एंकल्स को टच करेगा, बाकी मेरा हिप रीजन जो है वो नीचे की तरफ को खुला रहेगा। और फिर इस पोजीशन में आने के बाद हम लोग मेंटेन करेंगे। स्टार्टिंग के लिए आप लोग 10 सेकंड के साथ शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन इसको आप लोगों को धीरे धीरे इंक्रीज करके 5 से 10 मिनट तक करना जरूरी है, क्योंकि जब आप लोग इस पोजीशन में बैठते हैं तो आप लोगों की वज्र नाड़ी जो है वो एक्टिवेट होती है, जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर काम करती है और इससे हमारा डाइजेशन जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इस आसना को आप लोग खाने के बाद भी कर सकते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद आप इस पोजीशन में अगर 5 से 10 मिनट के लिए बैठ जाएंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा सही रहेगा, डाइजेशन से रिलेटेड आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। हम लोगों ने डिस्कस करे 4 ऐसे आसना जिसमें बैठ के आप लोग प्राणायाम कर सकते हैं। हर आसना करते टाइम आप लोग ध्यान रखें कि आपकी कमर सीधी रहे, कमर को स्लाउच नहीं रखेंगे और फोर्सफुली अपने नीज को या अपने लेग्स को फ्लोर को टच करने की कोशिश नहीं करेंगे। जितना आप लोग कंफर्टेबल हो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करिए, अपने कंफर्टेबलनेस के अकॉर्डिंग करिए। स्टार्ट करेंगे सुखासना के साथ, क्योंकि वो बहुत ही कंफर्टेबल और इजी पोस्चर है। जब आप लोग सुखासना में कंफर्टेबल हो जाए तो आप लोग मूव कर सकते हैं बाकी आसना की तरफ, जो कि है सिद्धासना, पद्मासना, अर्ध पद्मासना या फिर वज्रासना। प्राणायाम करने के लिए जरूरी चीजें जो है उसमें से आज हमने एक डिस्कस करी, जो कि हमारा सिटिंग पोस्चर। अगला जो है वो है हमारे हैंड्स का क्या पोस्चर होगा, हम लोगों को अपने हाथों को किस पोजीशन में रखना है, किस मुद्रा में रखना है, उसको मैं अगली वीडियो में कवर करूंगी। और अगर आप लोग कुछ प्राणायाम की प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम का, जिसका प्रैक्टिस आप शुरू कर सकते हैं इस पोजीशन में बैठ के। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, आप लोगों का कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।